ऑब्सेशन ऑफ बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर का ऑब्सेशन। तो आइए, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक केळकर, मैं सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक लड़का मेरे पास में है, वो बोल रहा था कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे बीपी है, बार 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 विचार आते हैं, और फिर लगता है कि कभी चेस्ट में पेन हो रहा है, फिर यहां पेन होगा, यहां दर्द होगा, फिर उससे बेचैनी हो जाती है, और मुझे वो विचार आते रहते कि कुछ तो भी हो जाएगा, कुछ तो भी हो जाएगा। उसने बताया कि मुझे शुरुआत ऐसी हो गई कि सर थोड़ा भारी भारी सा लगने लगा, सर भारी भारी सा लगने लगा, तो उसने कुछ गोली बिली खा लिया घर पे, फायदा नहीं हुआ, फिर डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने देख लिया कि उसका बीपी 150/90, 150/90। अब ये बीपी कोई बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, मगर थोड़ा सा हायर साइड पे है। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, एक अल्प्रेसलाम की गोली खा लो। और अल्प्रेसलाम की गोली जो है वो टेंशन कम करने की गोली है, जिसे टेंशन कम होता है, साइकेट्री मेडिसिन है। तो उन्होंने उनको गोली दिया, फिर बोला कि कल आके देख लेंगे। वो दूसरे दिन गया, तो उसका बीपी तो ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक ही रीडिंग था। मगर अभी उसके दिमाग में हो गया कि मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, मुझे बहुत काम का बर्डन है, और उसके वजह से फिर अभी मुझे बीपी कल बढ़ जाएगा। अब उसको बार 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 वही विचार आया कि बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, अभी क्या अटैक आ जाएगा क्या। फिर वो जा रहा है ये डॉक्टर वो डॉक्टर, उसने कार्डियोग्राम कितने बार निकाल लिए, उसने TMT कर लिया, ट्रेडमिल टेस्ट कर लिया, उसने इको कार्डियोग्राफी कर लिया, उसने एंजियोग्राफी कर लिया, सब करके भी उसको सब रिपोर्ट मिलाने के बावजूद लगता है कि नहीं, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। और जब डॉक्टर के पास में जाता है तो बीपी बढ़ा हुआ रहता है, बढ़ा हुआ मतलब 150/90 रहता है। डॉक्टर बोलते हैं इतना तेरा बीपी तो थोड़ा हायर साइड पे है ही है, वो बीपी कुछ कम नहीं हो रहा है, और टेंशन की वजह से और बीपी बढ़ जाता है, मतलब वही रहता है। अब वो उसको प्रॉब्लम आ गया कि भी करना क्या इसका, वो चले डॉक्टर को जाना चले, मतलब कभी कभी ऐसा हो गया कि उसको लगता है मेरे अटैक आ जाएगा, तो वो जाके भर्ती हो जाता है कोई हॉस्पिटल में, बोलता मुझे रात भर रुकने को, मैं कल सवेरे चले जाऊंगा। उसके बाद में फाइल के फाइल फाइल की फाइल लगी हुई है अलग अलग हॉस्पिटल की, और बोलता कि एक बार तो आप देख लो, उसने बीपी एपिडेस भी घर पे लेके रखा हुआ है, और वो बार बार उसको विचार आता है कि बीपी, उसको मालूम है कि ये कुछ अटैक नहीं है, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, मगर उसको वो एक डर बैठा हुआ है, और वो बार 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 विचार आते रहते हैं। उसको मैंने बोला तपास लिया, उसको एश्योर किया, एश्योरेंस दिया कि देख तुझे ये एक तो ऑब्सेशन हो गया है, मालूम है कि बार बार विचार आ रहा है, रिलेवेंट है, एक्चुअली नहीं मालूम है, तभी भी वो रोक नहीं सकता विचारों को, और उसके ऊपर उसको एक्शन करनी पड़ती है, या फिर तुमको डेथ फोबिया हो गया। उसको मैंने कुछ दवाई दिया जिससे उसका जो बार 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 विचार आने का जो तकलीफ है वो तकलीफ मैंने बोला कम हो जाएगा आपको, और उसके लिए मैंने उसको कुछ मेडिसिन दिया जिसके जो ऑब्सेशन के ऊपर काम करते हैं, उसको कोई एंग्जाइटी दवा दिया जिससे उसको एंग्जाइटी टेंशन कम हो जाएंगे। और उसको मैंने बोला भाई आपको हिप्नोटिज्म करना पड़ता है, हिप्नोटिज्म मतलब हिप्नोथेरेपी करनी पड़ेगी, और काउंसिलिंग मैं करूंगा। तो वो राजी हो गया, कि वो इतना परेशान था, कोई डॉक्टर उसको लेने को तैयार नहीं थे, कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं है, आखिर मेरे पास में लैंड होने के बाद में उसको मैंने एश्योरेंस करने के बाद में वो ट्रीटमेंट लेने को तैयार हो गया। अब ट्रीटमेंट हमने चालू कर लिया, हफ्ते में एक बार दो बार आता था मेरे पास में, और मैं उसको विचार कैसे कम करना, थॉट स्टॉप कैसे करना, थॉट एवर्शन कैसे करना, उसकी भी ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, कुछ मेडिसिन भी दे रहा हूँ, हिप्नोथेरेपी भी करवा रहा हूँ, और उसको धीरे 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 फर्क पड़ने चालू हो गया। एक डेढ़ महीने में वो एकदम ठीक हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ तो एखादा विचार अंदर घुस जाता है, और वो अंदर घुस जाने के बाद में वही 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 चालू हो जाता है। पर्टिकुलरली जब आप उनको पूछेंगे ये लोगों को, तो उनको ये रहता है कि उनकी पर्सनैलिटी भी ऑब्सेसिव रहती है, और ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी मतलब ऐसा है कि सब चीज ठीक ठाक होना, सब चीज जगह पे होना, सब चीज जैसे रखिए वैसी होना, साफ सुथरा सब रखना है, मतलब ऑब्सेशनल पर्सनैलिटी रहती है उनकी, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी रहती है, और उसमें फिर वो उनको ऐसा कुछ भी तैयार हो जाता है। तो ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी का इलाज तो ऐसा नहीं है, मगर सजग होना उसके बारे में कि भाई ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी में ऑब्सेशंस या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक डिसऑर्डर कम होगा तो नया डिसऑर्डर चालू हो जाएगा, एक थॉट कम होगा तो नया थॉट चालू हो जाएगा। इसलिए ऑब्सेशन जो है, जो परफेक्शन के पीछे, परफेक्शन जो पर्सनैलिटी है, तो वो ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। और वो ठीक करना मतलब काउंसलिंग करना, उसके लिए कोई दवाई नहीं है, काउंसलिंग करना, जितना भी मॉडिफाई कर सके उतना मॉडिफाई किया, आगे आने वाली जो बीमारी है वो टल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी वाले लोग है, परफेक्ट वाले जो लोग है, जो उनको ऐसा इधर उधर चलते ही नहीं, उनके जरूर शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।